नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुज्जू इन वर्ल्ड में। आज हम आपको भारत के तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी उज्जैन महाकालेश्वर की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन कैसे पहुंचना है, उज्जैन में आप कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशन कवर कर सकते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा और उज्जैन में घूमने के लिए कितने दिन का प्लान करें, उज्जैन में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, कम रेट में आप कहाँ रुक सकते हैं, उज्जैन में आपको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी और घर जैसा फ्री खाना आपको कहाँ मिलेगा, उज्जैन में आप महाकालेश्वर के फ्री दर्शन कैसे कर सकते हैं और VIP दर्शन के लिए चार्जेस क्या होंगे, अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। ये सारी बातें एक एक करके विस्तार से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन कैसे पहुंचना है। उज्जैन पहुंचना बहुत ही आसान है। उज्जैन आप ट्रेन के जरिए भी पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप यहां से ऑटो में 50 रुपया देकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उज्जैन से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से उज्जैन आप बस के जरिए या फिर टैक्सी के जरिए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन में कहां रुके। तो उज्जैन में रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मंदिर के पास महाकाल रोड पे आपको बहुत सारी होटलें मिल जाएगी, जहाँ पे आप 600 रुपये से लेके आपके बजट तक की रूम यहाँ पर ले सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास भारत माता मंदिर के पास स्थित है और महाकालेश्वर मंदिर भी एकदम करीब है। महाकालेश्वर भक्त निवास में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर टेलीफोनी बुकिंग होता है। टेलीफोनी बुकिंग आपको 1 महीने पहले करनी पड़ेगी, या तो फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद यदि रूम अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ का मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर चार्जेस की। यहाँ पर डबल बेड 1300 रुपये, 3 बेड 1700 रुपये और 4 बेड 2000 रुपये में मिल जाएंगे और सारे रूम AC है। तो दोस्तों, यदि आप ग्रुप से आ रहे हैं और आपके साथ 20 से 25 लोग हैं तो आपको यहाँ पे एक नॉन AC हॉल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे गद्दे बिछा के सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपका बजट कम है और आप कम बजट में रूम लेना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग पे यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 300 रुपये में रूम मिल जाएगी और एक रूम में लगभग 6 लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पे भी रूम में नीचे गद्दे बिछा के सोना पड़ेगा। और ये सारी धर्मशालाएं छिप्रा नदी के पास में ही स्थित है। यहाँ पर सामने गहलोत मेवड़ा राजपूत समाज धर्मशाला है और इसके बगल में श्री राजपूत धर्मशाला स्थित है और इसके पीछे धाकड़ धर्मशाला है, प्रजापति मालवी धर्मशाला है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं अवेलेबल है। और सामने अग्रवाल यात्री गृह है, जिसका मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जहां से फोन करके आप यहां पे रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ता करके। तो चलिए दोस्तों, यहां पे नाश्ते में कितनी सारी वैरायटीज हैं वो देखते हैं। महाकाल मंदिर में फ्री दर्शन के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और यदि भीड़ ज़्यादा रहेगी तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और कम रहेगी तो इससे कम टाइम में भी आप दर्शन कर सकते हैं।
अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 250 रुपए की टिकट निकलवानी पड़ेगी और 15 से 20 मिनट में आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। वीआईपी टिकट लेने के लिए आप बड़ा गणेश मंदिर के पास बने टिकट काउंटर पर जाके टिकट ले सकते हैं। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाके जलाभिषेक करना चाहते हैं तो मंदिर समिति के काउंटर से रसीद लेकर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक के दौरान पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। श्रद्धालु इस दौरान चमड़े से बनी कोई भी चीज यानी पर्स, बेल्ट ये चीज मंदिर के गर्भगृह में नहीं ले जा सकते और इसके साथ साथ मोबाइल भी आप नहीं ले जा सकते। अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियली वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पर जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हो गए 201 रुपए। भस्म आरती की ऑफलाइन टिकट भारत माता मंदिर पर बने टिकट काउंटर से ले सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए आपको एक दिन पहले फॉर्म फिल करके देना होगा और आपको अपना एक आईडी प्रूफ शो करनी होगी। भस्म आरती के फॉर्म्स काउंटर पे सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मिलते हैं। बहुत सारे लोग घंटों पहले लाइन में लग जाते हैं। भस्म आरती का टाइमिंग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का है और इसके लिए भी आप यहाँ पर जितना हो सके उतना जल्दी आइए ताकि आप भोलेनाथ के करीब से दर्शन कर सकें। महाकाल मंदिर 3 भाग में बना हुआ है। दिव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है। मध्य के भाग में ओमकारेश्वर का शिवलिंग है तथा सबसे ऊपर वाला भाग साल में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि कहा जाता है क्योंकि कर्क रेखा शिवलिंग के ठीक ऊपर से गुजरती है। ग्रंथों के अनुसार 14वीं और 15वीं सदी के ग्रंथों में महाकाल का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है उसका निर्माण राणोजी सिंधे ने करवाया था। महाकाल के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में और भी मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर, हनुमान जी मंदिर, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर और नवग्रह मंदिर है, तो इसके दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं उज्जैन में खाना कहाँ खाएं। तो उज्जैन में महाकाल रोड पे आपको बहुत सारी होटल रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी बजट के हिसाब से खाना खा सकते हैं। महाकाल मंदिर के पास ही श्री महाकाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर खाना खाने की उत्तम सुविधा है। तो दोस्तों उज्जैन का वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया है और दूसरे पार्ट में हम करेंगे उज्जैन के दर्शन। उज्जैन में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो सारे टूरिस्ट प्लेस में उस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखना न भूले। उज्जैन दर्शन का वीडियो देखने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी चैनल गुज्जू इन वर्ल्ड को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।